मई का महीना शुरू होते ही मौसम ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। दिन पर दिन तल्ख हो रहे सूरज की वजह से सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। जो लोग धूप में निकल रहे हैं वह लू की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में इन बीमारियों से बचने के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं जो शरीर में तरावट लाते हैं, साथ ही ना के बराबर पैसे खर्च में लू से भी बच जाते हैं। दरअसल बुंदेलखंड में आम का पना गर्मियों के मौसम में बेहद प्रचलन में रहता है। एक तरफ जहां बड़ी आसानी के साथ हर घर में इसको बनाया जाता है, तो दूसरी तरफ बाज़ारों में भी यह बिकते हुए कम दामों में मिल जाता है। बाज़ार में मिलने वाला आम का पना की कीमत 15 से लेकर 25 रुपये तक गिलास होती है। नियमित सेवन करने से आप लू से बच सकते हैं। पिछले 25 सालों से होम्योपैथी डॉक्टर के रूप में सेवाएँ दे रहे सुशील सागर ने इसको लेकर जरूरी जानकारी दी। आम का पना की जो आप बात कर रहे हैं, आम का पना में सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि वो तरल होता है, उसमें पानी की मात्रा होती है, लिक्विड होता है, ठीक है। और गर्मियों में उसको अपन उसका अगर सेवन करते हैं तो उससे लू से सबसे ज़्यादा बचाव होता है गर्मियों में। और हमारे बुंदेलखंड में तो ये प्रचलन में है, खासकर आम का पना बहुत चलता है। और इसमें इसको किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे मैं ये बताना चाहूँगा कि एज ए चिकित्सक, एज ए डॉक्टर, जैसे कुछ खास जैसे डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं तो उनको अगर आम का पना सेवन करना है तो उसको आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उसमें शक्कर की मात्रा कम रखें या शक्कर की जगह उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं आप, तो उसमें आपको उसकी पूर्ति भी हो जाएगी, मिठास भी रहेगी उसमें और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। और जैसे ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज़ हैं, तो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को नमक जो है नुकसान करता है, नमक से बीपी बढ़ता है, लेकिन अब चूँकि पना है उसमें नमक तो ज़रूरी होता है डालना, तो आप उसमें सेंधा नमक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा कम मात्रा में, तो वो आपको साथ भी देगा और आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करे, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ाएगा। तो ये दो प्रकार के जो मरीज होते हैं तो ये थोड़ी सावधानी इसमें रखना चाहिए।